टॉपिक चल रहा है वो रेस्पिरेशन है, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो है उसका डिस्कशन किया था, और ग्लाइकोलाइसिस का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो है पाइरूविक एसिड। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूविक एसिड। देखिए पाइरूविक एसिड बन चुका है, पाइरूविक एसिड बनने के बाद में ठीक है, अब ये पाइरूविक एसिड के जो है ये अलग अलग प्रोडक्ट्स में ये टूट सकता है ठीक है। पाइरूविक एसिड से एक तरह बनता है लैक्टिक एसिड, एक तरह बनता है एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इथाइल अल्कोहल और एक तरह से बनाएंगे अमीनो एसिड्स CO2 + H2O। ये इसका ब्रेकडाउन होता है कि जो हमारा पाइरूविक एसिड है ठीक है, तो पाइरूविक एसिड जो है ये अलग अलग O2 की उपस्थिति या अनुपस्थिति पे निर्भर करेगा कि किस कंपाउंड में इसका ब्रेकडाउन होता है। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर इसका होता है तो वहाँ पे ये इथिनॉल यानी कि इथाइल एल्कोहल में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, किसमें इथाइल अल्कोहल में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन अगर परफॉर्म होता है तो यहाँ पे CO2 + H2O में यानी क्रैब साइकिल में चल जाएगा, वहाँ पे CO2 + H2O में यहाँ ब्रेकडाउन हो जाएगा। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ये भी एनएरोबिक कंडीशन में बनेगा, और उधर अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन जिसमें हमारा एलानिन का फॉर्मेशन होता है। अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जब ये रेस्पिरेशन में एंटर हो रहा है तो डायरेक्ट पाइरूविक एसिड जो है ये ट्रांसफर नहीं हो पाता है, क्योंकि मेम्ब्रेन के थ्रू यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू जो है या जो हमारी इनर मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके थ्रू जो है डायरेक्ट चीज़ें हैं वो एंटर नहीं हो पाती हैं ठीक है। तो अभी जो पाइरूविक एसिड है इसका ब्रेकडाउन होता है तो इसकी ब्रेकडाउन के लिए डीकार्बोक्सिलेशन होगा इसका, तो यहाँ पे जो है इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है पाइरूविक एसिड का, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है पाइरूविक एसिड का। और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के फॉर्मेशन से इससे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम, क्या बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है इससे। और ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है यानी कि ग्लाइकोलाइसिस द्वारा जो हमारे दो मॉलिक्यूल में मिले थे पाइरूविक एसिड के, और ये क्रैब साइकिल में प्रवेश करते हैं, और डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा दो कार्बन का मॉलिक्यूल यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो अंदर इसमें एंटर करेगा। तो अब ये जो है हमारा पूरा जो प्रोसेस होता है यानी कि पाइरूविक एसिड, ये हम इसकी एक जो अलग स्टेप बाय स्टेप जो है ये अलग अलग स्टेप्स में यानी कि 4 से 5 स्टेप में पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो पाइरूविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन जो है ये पाइरूविक जो है ये पाइरूविक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसकी प्रेजेंस में संपन्न होगा, और थायमिन पाइरोफॉस्फेट यानी कि सबसे पहले हमारा क्या होता है कि जो हमारा पाइरूविक एसिड देखिए स्टेप बाय स्टेप में मिलते हैं,
ये हमारा पाइरुविक एसिड है। पहला स्टेप है इसका फॉर्मेशन ऑफ टी पी पी एसी टेट। देखिए टीपीपी का फुल फॉर्म क्या है, थायमिन पाइरोफॉस्फेट, ठीक है, प्लस यहां इसका डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। सेकेंड स्टेप जो है इसमें है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल हाइड्रोलिपोएट, ठीक है, टीपीपी plus
लिपोइक एसिड, ठीक है, ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। क्या है इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हमारा, यानी कि ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए, अब यहाँ पे हमारी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म यानी कि रिड्यूस्ड फॉर्म से जो हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म था, तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में लिपोइक एसिड वहां पे रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तो लिपोइक एसिड प्लस एन ए डी प्लस, ये हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म है। ये इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म प्लस NADH, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बन गई, यानी कि रिड्यूस लिपोइक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ, रिजनरेशन हुआ, तो यहाँ पे हमारा एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है, और कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए के निर्माण में NADH2 के दो मॉलिक्यूल निर्मित होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक NADH2 अणु के यानी कि जो मॉलिक्यूल होता है उसके ऑक्सीडेशन होने पर एटीपी के तीन मॉलिक्यूल, यानी कि जब हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है तो वहां पे क्या होगा कि जो हमारे दो मॉलिक्यूल NADH2 के इसमें बन रहे हैं, और साथ साथ में ही ऑक्सीडेशन होने पर एटीपी के तीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो पाइरूविक एसिड कोएंजाइम यानी कि क्या बना हमारे पास में, यानी कि ये हमारी जो है पाइरूविक एसिड प्लस को एंजाइम ए प्लस एनएडी प्लस, ये हमारा बना कौन सी एंजाइम है, पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज, एसिटाइल कोएंजाइम ए NADH2 प्लस CO, ठीक है, ये हमारी रिएक्शन होती है, यानी कि पाइरूविक एसिड जो है, अब ये हमारा क्या होता है कि पाइरूविक एसिड जो है कोएंजाइम ए के साथ जुड़ करके क्या बना रहा है, पाइरूविक पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस NADH2 CO2 का निर्माण करता है। तो हमारा जो पाइरूविक एसिड है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए हमें देता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है क्रैब साइकिल में एंटर, यानी कि यहाँ से ये एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर हो जाती है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूविक एसिड, यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट था, क्या था एंड प्रोडक्ट, पाइरूविक एसिड, वो पाइरूविक एसिड जो है डायरेक्टली एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर नहीं करता है, तो पहले उसका ब्रेकडाउन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर होगा हमारे कौन सी क्रैब साइकिल में, ठीक है। तो अब ये हमारी जो क्रैब साइकिल है ये हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्रैब साइकिल कहाँ पे हो रहा है, क्रैब साइकिल जो है यानी कि ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस जो है ये हेक्सोन शुगर के बाद में हमारा लास्ट में क्या बन रहा है, हमारा एसिटाइल कोएंजाइम, और एसिटाइल कोएंजाइम पे ऑक्सीडेशन की सभी रिएक्शंस अब यहाँ पे कहाँ होंगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी, और ये एच ए क्रैब यानी कि क्रैब साइकिल हमारी यहाँ पे जो स्टार्ट हो रही है वो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें हमारा आगे का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले एच ए क्रैब में 1943 में इनकी प्रवस्थाओं के बारे में बताया, और इसलिए इनके नाम पे इसे क्रैब साइकिल नाम दिया गया। इस साइकिल को TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, TCA साइकिल यानी के ट्राई
कार्बोक्सिलिक साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ऑर्गेनिक एसिड साइकिल, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल, ऑर्गेनिक एसिड साइकिल और माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल और हमारा इसमें ऑर्गेनिक एसिड साइकिल और माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी इसे कहा जाता है। तो ये इसको ये जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन बॉर्न ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे। 1953 में इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। और ये साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के इसमें मैट्रिक्स जो होता है वहां पे होती है। कहां पे होती है? 1953 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, यहाँ बायोकेमिस्ट थे। और ये जो है कहां पे हो रही है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये साइकिल होती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये साइकिल परफॉर्म हो रही है। 1953 में इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके साइटोसोल में होती है। और एसिटाइल कोएंजाइम जिसे हम बात करते हैं कि जो इसका नेट रिजल्ट होता है, ट्रैप साइकिल इज दैट फॉर ईच एसिटाइल कोएंजाइम एंटरिंग, तो दो मॉलिक्यूल CO2 के इसमें प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं? कि दो मॉलिक्यूल इसमें CO2 के प्रोड्यूस होते हैं। देखिए एक बार हम इसकी साइकिल बना लेते हैं पूरी। एक बार हम इसकी पूरी की पूरी साइकिल बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा है पाइरुवेट। ठीक है, पाइरुवेट से कोएंजाइम ए एस एच, तो ये हमारा CO2 और इधर हमारा NAD प्लस से NADH2। ठीक है, ये रिवर्स में और एंजाइम की हमारी कौन सी? पाइरुवेट डी हाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब यहाँ हमारा क्या बना? सॉरी, ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये साइकिल यहाँ से आ रही है। तो सबसे पहले है हमारा सिट्रेट। क्या है सिट्रेट के बाद? सिस अकोनिटेज। ठीक है, सिस अकोनिटेज के बाद आइसो सिट्रेट। आइसो सिट्रेट के बाद अल्फा कीटो ग्लूटरेट, देन यहाँ पे है सक्सिनाइल को एंजाइम ए। ठीक है, इसके बाद है सक्सिनेट। सक्सिनेट के बाद है
फ्यूमरेट, फ्यूमरेट के बाद है मैलेट, मैलेट के बाद है ऑक्सालो एसिटेट, ठीक है। और ऑक्सालो एसिटेट यहाँ हमारा, और ये हमारा दसवां है, ठीक। अब साथ में यहाँ हमारे H2O, अब यहाँ पे हम एंजाइम्स लिख लेते हैं अपनी, कौन कौन सी हमारी एंजाइम है। ये है सिट्रेट सिंथेस, ठीक है, सिट्रेट सिंथेस। यहाँ हमारी अकोनिडेज और H2O का मॉलिक्यूल हमारा एक पार्ट कर जाता है। अब यहाँ फिर हमारा NAD, तो NADH+H+, ठीक है। और कोएंजाइम ASH, CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ बाहर जा रहा है। एंजाइम कौन सी है हमारी, ये है हमारी, सॉरी सॉरी सॉरी, कीटो ग्लूटरेट, डी हाइड्रो जिनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और साथ में हमारा NAD, यहाँ पे NADH प्लस एच प्लस बनाता है, ठीक है। ये हमारा बन गया सक्सिंगल कोइन एस कोइनजाइम एच। अब यहाँ पे हमारा क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे एंजाइम सक्सिनेट, सक्सिनेट थायोकाइनेज, थायोकाइनेज, देखिए एस ग्रुप है ना, उसको हटाएंगे यहाँ पे थायोकाइनेज। तो ये हमारा क्या है, GDP, और यानी कि ATP में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब सक्सिनेट के बाद में हमारी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, अब यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है FADH2, ठीक। फ्यूमरेज बन गया, ठीक है। फ्यूमरेट बनने के बाद फ्यूमरेज एंजाइम है, फ्यूमरेज, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ हमारा फिर से मैलेट, मैलेट के बाद में जो हमारा यहाँ बनेगा NAD, मैलेट, डी
हमारा कंप्लीट हुई पूरी साइकिल। तो ये है खराब साइकिल। अब यहाँ से ये जो है हमारे, ठीक है, अब ये सारे कहाँ जाएंगे, जैसे ये 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 यहाँ से ये सारे हमारे कहाँ जाएंगे, ये हमारे जाएंगे कहाँ पे, ईडीएस में, ठीक है। जितने भी हमारे बन रहे हैं यहाँ पे, ये सारे कहाँ जाएंगे, ये हमारे सब जाएंगे ईटीएस के अंदर, ठीक। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो कंडेंसेशन से होती है, ठीक है। इसमें किसकी कंडेंसेशन, देखिए ऑक्सलो एसिटिक एसिड है, यानी कि ऑक्सलो एसिटेट है, ये चार कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये दो कार्बन कंपाउंड है। तो ऑक्सलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम के साथ में रिएक्शन देता है, और H2O की सिट्रेट या कोएंजाइम ए, तो इस रिएक्शन में एंडोल कंडेंसेशन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, और सिट्रेस सिंथेस की उपस्थिति में ये प्रोसेस हो रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट जो कार्बन कंपाउंड बनेगा इसके अंदर, वो हमारा बनेगा थ्री कार्बन कंपाउंड का सिट्रेट, यानी कि सिट्रेट सिट्रिक एसिड जो है या सिट्रेट जो है वो हमारा थ्री कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी जो सिट्रिक है, तो ये हमारा सॉरी सिक्स कार्बन है, सॉरी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये फोर कार्बन कंपाउंड है, कितना है ये फोर कार्बन कंपाउंड है, और दो कार्बन हमारे यहाँ से मिल जाते हैं, तो सिट्रेट जो बन रहा है वो हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा सिट्रेट, तो सिट्रेट के अंदर जो है हमारे यहाँ पे जब इसके मिलने से, तो हमारे ये एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, तो ये हमारा जो सिक्स कार्बन का यहाँ पे इसमें बनता है, ठीक है। तो सिट्रेट बन जाएगा फर्स्ट में, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन हुआ, और एल्डोल कंसंट्रेशन कंडेंसेशन से ये हमारा इसके अंदर सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सिट्रेट का जो फॉर्मेशन हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट स्टेप हुआ। तो अब नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि 2A और B, यानी कि देखिए यहाँ पे हमारा सिस अकोनिटेज और आइसो सिट्रेट, तो ये हमारा आइसोमराइजेशन के स्टेप्स हैं, और आइसोमराइजेशन स्टेप जो है, अब यहाँ पे ये हमारा आइसोमराइजेशन सिस अकोनिटेज और सिस अकोनिटेट, और दूसरा हमारा आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रेट बोलते हैं, आइसोसिट्रेट सिट्रिक एसिड बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे इधर देखिए सिट्रेट से हमारा सिस अकोनिटेज बना, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है, अकोनिटेज सिस अकोनिटेज से हमारा आइसोसिट्रेट बना, तो वहाँ पे भी हमारा एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे हमारी जो एंजाइम है वो है हमारे इसके अंदर अकोनिटेज, ठीक है। तो हमारी यानी कि 2A और 2B, यानी कि दोनों ही स्टेप में हमारी जो एंजाइम होगी वो है अकोनिटेज, और अकोनिटेज एंजाइम जो है वो हमारी दोनों के अंदर, यानी कि इसमें यहाँ पे भी हमारी अकोनिटेज है, इसमें भी हमारी अकोनिटेज है, और दोनों में ही यहाँ पे यानी कि ये आइसोमराइजेशन हो रहा है, और डिहाइड्रेशन, यानी कि यहाँ पे एक एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हुआ, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे हमारा जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इसमें रिलीज हो जाते हैं, तो हमारा एक में अकोनिटेज और एक में आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। अब आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटो ब्यूटेट होता है, यानी कि आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटो ब्यूटेट होता है, तो आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सीलेशन होता है अल्फा कीटो ब्यूटेट में, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है और डीकार्बोक्सीलेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज की एंजाइम की उपस्थिति में, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो NADH2 का हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, क्या बन गया हमारा अल्फा कीटो ग्लूटेट बना, और कौन सी एंजाइम थी यहाँ पे, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज की एंजाइम की उपस्थिति में, यहाँ पे लूजिंग CO2, यानी कि CO2 जो है लूज हो रहा है, और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन हो रहा है, इसका आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन हो रहा है यहाँ पे, तो हमारा बन गया अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन गया, अब अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनने के बाद में, यानी कि चौथा स्टेप जो होता है ये सेकंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन है, और इसमें हमारा सक्सिनिल कोएंजाइम बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट से, तो इस स्टेप में हमारा NADH और CO2 और हाई एनर्जी जो बॉन्ड है कोएंजाइम में का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। देखिए कोएंजाइम ASH इसके साथ में जुड़ जाएगा, और हमारे यहाँ पे NADH2 भी बन रहा है, और
और साथ में हमारे यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजनेज जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा और ये डीकार्बोक्सिलेशन हुआ यानी CO2 का जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। यहाँ पे एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ऑक्सीडेशन हुआ तो ये हमारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, यहाँ हमारा बना सक्सिनिल कोएंजाइम ए, यानी कि सक्सिनिल कोएंजाइम ए क्या बन रहा है यहाँ पे हमारा, ये हमारा बन रहा है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। तो यानी हमारा पांचवा यहाँ पे ये स्टेप हो गया। तो यहाँ पे थायोएस्टर बॉन्ड जो है सक्सिनिल कोएंजाइम ए की कपलिंग हो रही है किसके साथ, फॉस्फोरिलेशन ऑफ प्यून प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट यानी कि GDP इसके अंदर। तो सब्सट्रेट क्या है इसमें फॉस्फोरिलेशन के लिए, GDP। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस रिएक्शन जो कैटालिसिस है वो सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेटेज यानी कि सक्सिनिल सिंथेटेज या सक्सिनेट थायोकाइनेज भी से हम कह सकते हैं, सक्सिनिल सिंथेटेज भी कह सकते हैं, सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेटेज या फिर सक्सिनेट थायोकाइनेज, सक्सिनिल सिंथेटेज कोएंजाइम ए सिंथेटेज या फिर सक्सिनिल सक्सिनेट थायोकाइनेज हम दोनों नाम से इसे बुला सकते हैं। तो इनकी जो है इससे हमारा बना यानी कि यहाँ पे हमारा दिस इज द ओनली स्टेप तो सिस्ट्रिक एसिड साइकिल का डायरेक्टली ईल्ड जो है कंपाउंड वो हाई फॉस्फोरिल ट्रांसफर पोटेंशियल होता है इसमें सब्सट्रेट लेवल पे फॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ हमारा बना सक्सिनेट, क्या बन गया हमारे यहाँ पे सक्सिनेट। तो ये हमारा सक्सिनेट बन चुका है। अब सक्सिनेट बनने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जब हमारा सक्सिनेट बन गया तो सक्सिनेट बनने के बाद में साइक्लिक एंड के FAD रिमूव्स दो, यहाँ पे FAD क्या करेगा दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इससे रिमूव करेगा जिससे कि हमारा FADH2 बन जाएगा। क्या बनेगा FAD दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव करके FADH2 बनाएगा। FADH2 बन गया और एंजाइम कौन सी एंजाइम की उपस्थिति में डीहाइड्रोजनेज यानी कि डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रही है यहाँ से। तो हमारा जो है क्या बना, हमारा बन गया यहाँ पे फ्यूमरेट। क्या कौन सा बन गया यहाँ पे, ये बन गया हमारा फ्यूमरेट, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में हमारा यहाँ पे बन गया फ्यूमरेट। अब फ्यूमरेट बनने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, द एडिशन ऑफ वाटर टू फ्यूमरेट रिप्लेसेस अ हाइड्रोक्सिल कार्बन, यानी कि यहाँ पे अब क्या हुआ कि फ्यूमरेट बनने के बाद में अब यहाँ पे हमारा फ्यूमरेट बनने के बाद में H2O यहाँ पे क्या हो गया H2O का मॉलिक्यूल यहाँ ऐड होगा। क्या होगा H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हुआ फ्यूमरेज में, H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे नेक्स्ट कार्बोनिल ग्रुप बन रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या बना, ये हमारा बना इसके अंदर मैलेट। अब मैलेट बन गया, मैलेट का यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेप जो हो रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल कार्बन यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में अटैच हो जाएगा यानी कि ऑक्सैनो एसिटिक एसिड। फिर हमारे यहाँ पे वही NAD और NH यानी कि दो HK यानी कि डीहाइड्रोजनेज फिर से आ गई यहाँ पे NAD मैलेट डीहाइड्रोजनेज। तो हमारे फिर से यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, NAD ने दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लिए, सॉरी यहाँ पे ले लिए, तो यहाँ पे हमारा NADH2 बन गया। अब ये NAD मैलेट डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में यहाँ पे बनेगा ये ऑक्सैलो एसिटेट। क्या बन गया ऑक्सैलो एसिटेट। तो ऑक्सैलो एसिटेट बनने के साथ में तो ये हमारी हुई सिट्रिक एसिड साइकिल। तो लास्ट में हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटेट। ऑक्सैलो एसिटेट बनने के साथ साथ में ही यहाँ पे अब ये हमारा पूरा का पूरा साइकिल हो चुकी है यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए वापस से क्या बनाएगी, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम वहां से आता है हमारा सिट्रेट सिंथेसिस की प्रक्रिया में सिट्रेट का फॉर्मेशन करता है। तो ये कंप्लीट हुई हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल यानी कि रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है यानी कि जब हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो क्रैब साइकिल होती है उस क्रैब साइकिल का जो प्रोसेस है जो स्टेप्स हैं क्रैब साइकिल के वो सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो हमारे कहाँ बनेंगे,
वो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन कंपाउंड इसके अंदर बनता है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट एसिड यानी जो बना हमारा कोएंजाइम ए के साथ में, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये सिट्रेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में हमारा बना देता है सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट। ठीक है, तो ये हमारा कंडेंसेशन का फर्स्ट स्टेप होता है और स्टेप बाय स्टेप फिर अकोनिडेज, उसके बाद में हमारा बनता है आइसोसिट्रेट, देन इसके बाद में हमारे अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स भी बनते हैं, इस वजह से इसे हम ऑर्गेनिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, टीसीए साइकिल कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पे टोटल ईल्ड इसकी क्या होती है, तो टोटल ईल्ड देखिए हमारे यहाँ पे अलग अलग स्टेप में वो बने, हमारे यहाँ पे एनएडी भी बन रहा है और इसके अंदर एटीपी का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी है। तो टोटल जो है हमारे इसमें क्या बने, कितने बने, टोटल हमारे इसमें 28 एटीपी के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। कितना होता है, 28 एटीपी के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन। देखिए अब यहाँ एफएडीएच2 था, तो एक एफएडीएच2 से दो मॉलिक्यूल बनते हैं, एनएडीएच2 से हमारे कितने बनते हैं, उससे हमारे तीन मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो हमारे जहां जहां पर भी यानी कि तो टोटल हम इसमें ईल्ड निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ बना, यहाँ पे बना, यहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल ईल्ड निकाल लेते हैं, तो हमारे जो है टोटल 28 ATP मॉलिक्यूल्स नेट गेन इसमें हमें मिलते हैं।